नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। 62 साल की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लगातार चौथी बार आम बजट पेश कर रही हैं। जैसे ही वे ठीक 11 बजे बजट पढ़ने के लिए खड़ी हुई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुस्कुराते हुए कहा, आप डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। ये सुनकर सदन में तालियां बजने लगी। पिछले साल निर्मला ने ही बजट को पेपर बजट से डिजिटल बजट किया था। शेयर बाजार में जोरदार तेजी जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण शुरू कर दिया है। मंगलवार को पहले कारोबारी घंटे में सेंसेक्स 850 और निफ्टी 200 से ज्यादा अंक उछल गया। सेंसेक्स शुरुआत ही 631 अंकों की बढ़त के साथ हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब पर 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस मुकाम को हासिल करने वाले वे दुनिया के पहले लीडर भी हैं। पीएम मोदी ने 26 अक्टूबर 2007 को यूट्यूब ज्वाइन किया था। दुनिया भर के लीडर में मोदी के बाद ब्राजील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो हैं। उनके 36 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। चलिए आपको पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल के बारे में बताते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जगमोहन सिंह कांग ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ उनके दोनों बेटों यतविंदर सिंह कांग और अमरिंदर सिंह कांग ने भी आपका दामन थाम लिया है। बिग बॉस के सीजन 15 के टॉप 5 में पहुंचने के बाद निशान भट्ट को 10 लाख रुपए लेकर बाहर जाने के फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद अपने इस इंटरव्यू में किया है। उन्होंने कहा है, मुझे यकीन नहीं था कि मैं शो में इतनी आगे तक जाऊंगा और इसी बात से बहुत खुश था, इसलिए मैंने पैसे लेकर बाहर जाने का फैसला किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।